कन्नौज के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के निकारीपुरवा गांव के सामने तिरवा बेला मार्ग पर शनिवार की शाम 4 बजे के करीब एक डबल डेकर बस ने साइकिल सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी। इससे दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में एक छात्र की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के निकारीपुरवा गांव निवासी पवन उम्र 12 साल अपने साथी हरिओम उम्र 9 साल पुत्र दिगंबर सिंह के साथ उमरदा कोचिंग पढ़ने गया था। दोनों अपनी साइकिल से शाम 4 बजे के करीब वापस गांव लौट रहे थे। निकारीपुरवा गांव के सामने पीछे से आ रही एक डबल डेकर प्राइवेट बस ने टक्कर मारकर उन्हें रौंद दिया। इससे दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे को देख आसपास के लोगों ने इंद्रगढ़ पुलिस व एम्बुलेंस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों छात्रों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। उपचार के दौरान पवन की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पवन के शव को मॉर्चरी में रखवा दिया। घायल हरिओम का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उधर मामले में इंद्रगढ़ थाना अध्यक्ष ने बताया, दुर्घटना की जिम्मेदार बस को पुलिस ने पकड़ लिया है। घटना की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तपनचौरा न्यूज के लिए तिरवा कन्नौज से अनुज कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।